नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा आज आपके सामने मौर्य काल में मौर्य कालीन सिक्कों की चर्चा करने आया हूं। दोस्तों तो देखो, मौर्य कालीन में जो मौर्य कालीन सिक्के चलते थे उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि मौर्य कालीन के सिक्कों से प्रश्न आते हैं तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा क्या थी, पहला प्रश्न यही बनता है। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा जो थी उसका नाम था पण। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा क्या थी, पण। अब देखो, इस समय चांदी का सिक्का चलता था दोस्तों, चांदी का सिक्का, इसको बोलते थे काशा पण। ठीक है दोस्तों, या कई जगह पे पण भी लिख देते हैं, कई जगह पे इसको धरण भी बोल देते हैं, ये सभी इसी सिक्के के नाम आते हैं दोस्तों। ठीक है, चांदी का सिक्का, अलग अलग नाम मिलते हैं चांदी के सिक्के, तो अपने को याद रखना चांदी का सिक्का। अब देखो, ये जो चांदी का सिक्का है दोस्तों, इस चांदी के सिक्के के अंदर ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक सिक्के का एक पहलू है, इसके अंदर एक सूर्य दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इस चांदी के सिक्के में क्या बना हुआ है, एक सूर्य, और इसके अलावा यहां पर एक चांद बना हुआ है, इसी चांदी के सिक्के में एक साइड में चांद बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपको इस तरह से आकृति दिखाई दे रही है, ये एक वृक्ष है दोस्तों, ये क्या एक वृक्ष दिखाई देता है इसके ऊपर बना हुआ, और ये जो इस तरह से आपको ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये एक सांप की है दोस्तों, और ये छोटा सा जो मैंने इस तरह से बना दिया है, ये यहां पर एक बैल है दोस्तों, यहां पर क्या है, एक बैल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आकृति इस पे बनी हुई है, तो ये चांदी का सिक्का है दोस्तों। ठीक है, चांदी का सिक्का, ओके दोस्तों। अब देखो कि इस समय तांबे के सिक्के भी चलते थे, एक तांबे के सिक्के भी इस समय चलते थे। तांबे के सिक्के जो चलते थे दोस्तों, इसको बोलते थे अपने कांकड़ी, क्या बोलते थे, कांकड़ी। कहीं कहीं इसका नाम दोस्तों मास्क भी लिखा हुआ था। ये तांबे की मुद्रा थी दोस्तों, कम प्रचलित थी, या ये कह लो गरीबों में ज्यादा प्रचलित थी ये तांबे के सिक्के। ठीक है, तो तांबे के सिक्के भी यहाँ पे चलती थी। ठीक है दोस्तों, उस समय यहाँ अपने छोटा नोट हो कर भी यहाँ तांबे का सिक्का चला देता, कि अमीर आदमी बड़ा बड़ा सिक्का चलावे सोने का और चांदी का, तो ये मुख्य तकिंग का सिक्का चला देता, ये चला देता तांबे का सिक्का। तांबे के सिक्के को क्या कहते थे, कांकणी और मास्क। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी अपना क्लियर है तांबे के सिक्के के बारे में। अब देखो, इसके बाद है सोने का सिक्का। सोने का जो सिक्का है इसको बोलते थे निस्क। सोने के सिक्के को क्या नाम दिया गया दोस्तों, निस्क नाम दिया गया। ठीक है, फिर देखो एक प्रश्न आता है, भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा या सिक्का किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है पंचमार्क, इन्हीं का दूसरा नाम है आहत। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, आहत है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, आहत है। ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों सभी को, आहत है। और भारत का प्रचलित पहला सिक्का भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो भारत का पहला सिक्का है दोस्तों, ये पांचवी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, पांचवी शताब्दी के अंतर्गत दोस्तों, कब हुआ था, पांचवी शताब्दी, पांचवी शताब्दी में हुआ था। उस समय बौद्ध युग माना जाता था, उस समय हुआ था दोस्तों। ठीक है, व्यापार के लिए इस तरह से इसका प्रयोग मौर्य काल में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारे सिक्कों की कहानी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये मैंने जो आपको बताया मौर्य कालीन सिक्के हैं, और इनके अंदर से दोस्तों कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहते हैं। अब एक लास्ट प्रश्न की ओर चर्चा कर ले, इन सिक्कों का परीक्षक कौन था, यानी कि इन सिक्कों का परीक्षक करने वाला कौन व्यक्ति था, तो उसका भी एक प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूं आपके सामने ऊपर। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे जाएगा उम्मीद कर रहा हूं। एक शब्द आता है रूप दर्शक, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, रूप दर्शक। ठीक है, हाँ जी, रूप दर्शक दोस्तों। ठीक है, जो रूप दर्शक है ये कौन होता था, ये सिक्कों का परीक्षण करने वाला था, यानी कि परीक्षक था सिक्कों का। ठीक है दोस्तों, जो चेक करता था कि सिक्के सही है या नहीं, ये मौर्य काल में था दोस्तों। ये क्या था, मौर्य काल के अंदर था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था, जब अशोक महान जैसे व्यक्ति आए थे, बिंदुसार का महान शासक था, चाणक्य वगैरह गुरु थे उस समय धरती पर, तो ये सारी बातें उस समय की है दोस्तों। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी सिक्कों की।
सबसे इंपॉर्टेंट सिक्का दोस्तों चांदी का सिक्का, जिसका प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और ये मैंने चित्र बना के बाकायदा उसको बताया आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार है, आप श्री आदित्य क्लासेस को देख रहे हो और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, हमसे जुड़ सकते हो इस तरह की वीडियो पाने के लिए। ओके दोस्तों, नमस्कार।